ओम शांति मनसा सेवा। संकल्प वृत्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल, इसका आज हमारा पांचवा विषय है। आज का विषय है स्मृति और संघ, स्मृति और संघ तथा वृत्ति और वातावरण, स्मृति और संग तथा वृत्ति और वातावरण। श्रेष्ठ संग एवं वातावरण से श्रेष्ठ स्मृति, हमारा संग श्रेष्ठ होगा, वातावरण श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति बनेगी। स्मृति बनती है संघ से, स्मृति किससे बनती है, संघ से। मतलब जैसे संघ में हम बैठेंगे वैसी हमें बातें याद रहेंगी, वैसी हमारी स्मृति बनेगी। संघ स्मृति बनती है संघ से और वृत्ति बनती है वातावरण से। जैसी संगत में बैठेंगे वैसी हमारी बुद्धि में रहेगा, और हमारी वृत्ति कैसे बनेगी, जैसा वातावरण व वायुमंडल होगा। हम जहाँ जाते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो वायुमंडल है उससे हमारी क्या बनती है, वृत्ति बनती है, हमारा व्यवहार बदलता है। मतलब हमारे ऊपर वो तब प्रभाव करते हैं, साथ में ये बीच में याद रखना जरूरी है, जब हम उससे कमजोर होते हैं, जब हम उससे प्रभावित होते हैं। बाबा के बच्चे वातावरण से प्रभावित वायुमंडल से प्रभावित नहीं होंगे तो उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब हम नेगेटिव को भी साथ में लेके चले कि हमारे हाथ में है हम उधर जाएं या ना जाएं, परंतु यहाँ बाबा सिर्फ पॉजिटिव बता रहा है कि आपके पास वायुमंडल अच्छा है, आपके पास वातावरण अच्छा है तो कोई भी आएगा उसकी वृत्ति भी चेंज हो जाएगी, और जैसा आप उसे संग देंगे तो उसकी स्मृति भी बनती जाएगी। जैसे स्थूल धन कमाने वाला वाले सारे दिन उसी संग में रहते हैं तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। जो सारा दिन करेगा, जिसके साथ सारा दिन व्यतीत करेगा तो उसकी बुद्धि में भी स्मृति वही रहेगी ना, वही स्वप्न आएंगे ना। जैसे हमने शमशान में भाषण किया तो हमें रात को शमशान दिखाई दिया, हमने दो चार भाषण ज्यादा कर लिए तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कहीं भाषण ही कर रहे हैं। यानी कई बार मैं सो जाता हूँ, यहाँ मुरली चल रही होती है तो मैं देख रहा हूँ मेरी मुरली मेरे को सुनाई दे रही है, वही सुन रहा है मेरी मुरली को। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी मुरली यहाँ सुन रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो कहने का भाव ये है कि आवाज आ रही है ना, तो वहाँ सपना कुछ और चल रहा है, तो आवाज आ रही है कि यहाँ भी मेरी ही मुरली चल रही है, जहां भी मैं सपने में भी। तुम्हारे कहने का कि जो सारा दिन हमारी बुद्धि में रहेगा वही हमारी स्मृति में रहेगा। जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया कि पैसे से व्यापार कर रहा है सारा दिन, तो उसको वही व्यापार बुद्धि में रहेगा ना। कपड़े बेचने वाला रात को कपड़े फाड़ देगा ना, चादर फाड़ देगा। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शिव बाबा का ही क्या है, संग है, श्रेष्ठ संग है। तो शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है, जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त हैं तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। स्मृति भी वृत्ति भी क्या हो सकती है, श्रेष्ठ, सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ये बाबा ने कब कहा, 20 फरवरी 1974, 20 फरवरी 1974 को कहा। और हमें इससे समझ में क्या आया है कि हमारी स्मृति और वृत्ति जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसे कर्म सारा दिन करते हैं वैसी हो जाती है, और हम सारा दिन बाबा के संग में रहेंगे, ऐसे शुद्ध पवित्र वातावरण में रहेंगे तो हमारी स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ, और यदि हमने संग
वातावरण वायुमंडल चेंज किया तो वैसी हो जाएगी। परंतु यहाँ तो बाबा नहीं कह रहे हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे तुम्हारी स्मृति और वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि कैसा भी वायुमंडल आपको प्रभावित ना करे। अब दूसरा विषय इसी के अंदर, वृत्ति के ऊपर वातावरण का प्रभाव, तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ना, इसका कारण रचतापन की स्थिति, अपने कर्तव्य की स्मृति और बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहना इस कारण होता है। क्यों होता है कि हम बाबा के संग में नहीं रहे। बाबा ने जो हम सोच रहे थे उस बात को बाबा यहां कह रहे हैं, क्योंकि हम बाबा के संग में नहीं रहे। बाबा के संग में रहे, सार्वजन शुद्ध वातावरण में रहे, तो हमारी सृष्टि स्मृति भी श्रेष्ठ हो गई और वृत्ति भी श्रेष्ठ हो गई। ठीक है, अब हम मतलब बाबा के संग में नहीं रहे और कर्तव्य की स्मृति और बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहना, ये हमारे को क्या करता है, कमजोर करता है ना। कैसे कमजोर करता है? वातावरण प्रभाव क्यों डालता है हमारे ऊपर? उसका भी कारण है, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। ये स्मृति भूल जाती कि हम ही इस वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। ये स्मृति भूल जाते हो जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक हैं, जब कहते ही हो कि हम कौन है, विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है ना। ये तो नहीं कि विश्व परिवर्तन करेंगे वायुमंडल परिवर्तन नहीं करेंगे। अशुद्ध को शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो, फिर ये क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया? नहीं, क्योंकि हम कमजोर सोचना ही नहीं है। जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कमजोर नहीं बनना है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से, कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, परमात्मा ने निमित्त बनकर हमसे सृष्टि को रचने की जिम्मेवारी दी है, वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। ना हम वातावरण के वश होंगे, ना रचना के वश होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, ना कि परिवर्तन हो जाऊं, मुझे परिवर्तन करना है, कैसे करूं, ये सोचना है। इस सोचने की बजाय ये सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं, वातावरण बदलेगा तो मैं भी बदलूंगी, वातावरण होगी मैं बदलूंगी, वातावरण होगी, लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, ये भूल जाते। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है और क्या कहते हैं कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं का एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पार्ट है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो, लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देख
अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो, भूल क्यों जाते हो, अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो, अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो। साक्षी ही हो पार्ट देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वो दो, लेकिन घबराओ मत, लेकिन घबराओ मत, अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है, हम किसी गलत संग में हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते, बाप का संग छोड़ देते, उसके संग में रहना शुरू कर देते तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निवारण का सोचो, निवारण का 31 मई 1977, क्योंकि संघ का रंग ही हमारे ऊपर प्रभाव डालने से रोकता है। हम बाबा के संग में हैं, कहीं भी हैं, तो दूसरे का संग हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब बाबा के संग को छोड़ा तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव आएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, वो नहीं। ओम शांति।